मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सर रामदेश यादव। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे साइंस स्टैंडर्ड 6 के चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक के बारे में। फाइबर टू फैब्रिक क्या है स्टूडेंट्स? फाइबर मीन्स होता है रेशा या तंतु से कैसे कपड़े बनते हैं ना। फैब्रिक मीन्स क्या होता है? कपड़ा। अब आगे देखिए, शुरू करते हैं क्या स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। आओ शुरू करें। द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग आर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। जो मानव की आधारभूत आवश्यकताएं हैं वह है भोजन, आवास और कपड़ा। ओके स्टूडेंट्स, अब जो मानव की आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो क्या हैं? भोजन, आवास और कपड़ा। अब आगे देखिए, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस। कपड़े जो हैं हमें हमारी रक्षा करते हैं गर्मी, ठंडी और जलवायु की, जो प्रतिकूल जलवायु की दशाएं हैं उनसे। अब आगे देखिए, अर्ली ह्यूमंस कवर्ड देयर बॉडीज विथ लीव्स एंड स्किन्स ऑफ एनिमल्स। और जो आदि मानव थे अपने शरीरों को पत्तियों और जानवरों के चमड़ों से ढकते थे। अब आगे देखिए, देन दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास एंड कवर्ड देयर बॉडीज विथ हीट। फिर उसके बाद वह सीख लिए पंखुड़ियों को बुनना, घासों पंखुड़ियों को बुनना और उनसे वो अपने शरीरों को ढकते थे। स्लोली पीपुल रियलाइज दैट द मटेरियल फ्रॉम द कॉटन प्लांट कुड बी स्पन टू मेक फाइबर्स विच कुड बी यूज टू वीव क्लॉथ। और धीरे धीरे लोग जान गए कि जो सूती काटन पौधा है उसको उसके रेशों से कपड़े बना सकते हैं। अब आगे देखिए, देखिए अर्ली ह्यूमंस के चित्र दिए गए हैं। अब आगे देखिए, अर्ली इंडियंस और फैब्रिक्स मेड ऑफ कॉटन। अब प्रारंभिक जो भारतीय थे पहले के, वे कपड़े पहनते थे सूती से बने हुए ना, कॉटन से। इट वॉज कल्टिवेटेड नियर द रिवर गंगा। और यह जो है गंगा नदी के किनारे पास में उगाया जाता था। एंशियंट इजिप्शियन कल्टिवेटेड कॉटन एज वेल एज ए प्लांट कॉल्ड फ्लैक्स फाउंड नियर द रिवर नील। और जो प्राचीन मिस्रवासी थे वह काटन को, और एक पौधा है फ्लैक्स जिसको बोलते हैं, वह नील नदी किनारे उगाते थे। फ्लैक्स प्लांट टू गिव्स ए नेचुरल फाइबर। और जो फ्लैक्स का पौधा है वह भी प्राकृतिक रेशा देता है। द क्लॉथ सो मेड वॉज वर्न विदाउट स्टिचिंग एज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। और कपड़े जो थे बिना सिलाई किए हुए ही पहने जाते थे, जैसा कि सिलाई करना नहीं जानते थे लोग। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्टिचिंग नीडल पीपुल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ। और स्टिचिंग जो सिलाई मशीन, सिलाई की जो सुई है उसके खोज के बाद लोग जो है कपड़ों को सिलना प्रारंभ कर दिए। एज सच एज ब्लाउज एंड शर्ट, ब्लाउज और कमीज बनाते थे। लेटर बाद में मशीन्स वेयर इन्वेंटेड टू स्पिन वी बैंड स्टिच क्लॉथ। बाद में मशीन खोजी गई जो कि बुनाई करती थी और कपड़ों को सिलती थी। अब आगे देख लीजिए स्टूडेंट, ए वेरी थिन बहुत ही पतली थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड इज कॉल्ड फाइबर। और बहुत ही पतली जो कि थ्रेड, जो धागे वाला संरचना थी जिससे कपड़ा बनता था, उसको क्या बोलते हैं? फाइबर। फाइबर इज कॉल्ड तंतु और रेशा इन हिंदी। अब फाइबर को तंतु या रेशा बोलते हैं हिंदी में। एनी क्लॉथ मेड फ्रॉम यार्न और फाइबर्स बाय वीविंग, निटिंग और फेल्टिंग इज कॉल्ड फैब्रिक। कोई भी कपड़ा जो कि बुनाई या सिलाई से, कताई बुनाई से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? फैब्रिक बोलते हैं। फिर आगे देखिए, फैब्रिक मीन्स क्लॉथ, कपड़ा या और वस्त्र। फैब्रिक का मतलब क्या होता है? कपड़ा या वस्त्र। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड फाइबर्स वाइल ट्राइंग टू थ्रेड ए नीडल। आप तुम रेशों को पहचान सकते हो जब सुई में धागा डालते हो। इफ द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू फ्यू थिन स्ट्रैंड। यदि धागे की जो एंड है वह अलग अलग है कुछ तंतुओं में, इट्स डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ नीडल, देयर थिन स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर। और यह कठिन हो जाता है उन धाग
अंगों को, उन तंतुओं को सुई की आग से गुजरना, और यही पतले जो स्टेंस हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रेसे या फाइबर्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे का जो टॉपिक है वह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप कोई क्वेरी है तो आप पसंद करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।